वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है यूडाइस डाटा 2021 के बारे में कुछ सार्थक जानकारी। यहां पर डाइस डाटा कैप्चर फॉर्मेट दो स्कूलों के लॉगिन किए हुए हैं और बिल्कुल आज की डेट में ही कंप्लीट यहां पर बताए हुए हैं, 13 मई 2021। और इसमें यहाँ पर आप प्रीवियस स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने हाल ही में जो अपडेट किया है, डाउनलोड फुल DCF डाटा यानी डाइस डाटा डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड, अगर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड प्रीवियस ईयर का आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस वित्तीय वर्ष के डाटा भरने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा यहाँ से डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और इसको आप ओपन कर सकते हैं। डाटा सर्टिफाई का ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसके पहले अगर कोई एडिटिंग्स हो तो आप अपने DCF फॉर्मेट में आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप इसको सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी वर्जन, आप अगर इसमें से किसी भी प्रकार की जानकारी अपनी समझ में अगर नहीं आती है तो आप इसको हिंदी वर्जन में भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये हिंदी पर क्लिक करते ही ये टोटली वर्जन इसका हिंदी हो गया। इसे यहाँ पर पूर्ण कर लिया। ये आज की डेट में यहाँ पर पूर्ण है, 13 मई 2021 सभी डेटा पूर्ण कर लिए। यहाँ पर इसको अगर मान लो भरे गए डाटा का सत्यापन करना है तो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। इसे वैलिडेट ऑल ओवर, यहाँ पर ये कुछ एरर हो तो भी यहाँ पर बता देगा। इसे 4.2 में कोई एरर बता रहा है तो यहाँ पर ये एरर बता देगा। यहाँ पर किसी भी टाइप का एरर नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल ओवर डाटा इज सक्सेसफुल, ऑल ओवर सक्सेसफुल यानी कि डाटा का वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ और ये प्रपत्र पूरा भर लिया। और यहाँ पर प्रमाणीकरण नहीं यानी कि नॉट सर्टिफाइड बता रहा है, इसका मतलब ये DCF सर्टिफाइड का ऑप्शन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर भरे हुए डाटा का सत्यापन कर लिया है, प्रमाणीकरण यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर ये ऑल ओवर हिंदी वर्जन और यहाँ पर ये नेक्स्ट स्कूल है, जैसे ये दूसरी स्कूल है उसका डेटा यहाँ पर 4.1 से लगाकर लास्ट तक अपडेट किया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग की यहाँ पर बाकी है। और ये इंग्लिश वर्जन में है फिलहाल। अगर इंग्लिश वर्जन यहाँ पर अपन को समझ में नहीं आता है कोई, तो उसको यहाँ से हिंदी वर्जन में अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको इंग्लिश में भरना चाहें तो भी आप आसानी से इसको भर सकते हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण जानकारी, आजकल व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर हो रही है, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करने में यूडाइस 2020-21 भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ये व्हाट्सएप वगैरह पर चल रहा है ये मैसेज वायरल। और ये तमाम जानकारी है जो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं और अपना यूडाइस डाटा कंप्लीट भी आप कर सकते हैं। इसमें समस्त प्रकार की जो आप समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित कुछ सवाल जवाब हैं, ज़्यादातर नामांकन के बारे में है और एक उपस्थिति वगैरह के बारे में है, तो वो उपस्थिति स्टूडेंट की उपस्थिति क्या होगी और वर्किंग डेज कितने होंगे, वो सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ पर डाइस डाटा कैप्चर संबंधी शाला दर्पण लॉगिन करके रखें आप। दोस्तों, डाइस डाटा में खास ज़रूरी होता है, यहाँ पर टोटल जो शाला दर्पण की अपनी रिपोर्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट इनरोलमेंट से लेकर के और टीचर्स की डिटेल वगैरह भी सारी आ जाती है, तो आप अपने विद्यालय का शाला दर्पण यहाँ पर लॉगिन करके रखें। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू से टोटली कक्षावार नामांकन और रिजल्ट की टैब से, यहाँ पर रिजल्ट भी आपको क्लास वाइज अवेलेबल है। और जिस ईयर का नामांकन, जैसे यहाँ पर 2021 का करंट ईयर का है और यहाँ पर एक रिजल्ट के लिए 19-20 का भी नामांकन चाहिएगा, तो वो भी नामांकन यहाँ से अवेलेबल, जैसे ही क्लिक करते ही यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो ये नामांकन आप यहाँ से रिपोर्ट मेनू से ले सकते हैं। अपने 2021 का इनरोलमेंट था तो 2021 का इनरोलमेंट बेस पर अभी अपन ने
यूडाइस डाटा कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट ये हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वर्जन आप कर सकते हैं यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स में। मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करेंगे तो आपको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये थी DCF डाटा 2021 के बारे में सामान्य जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।